आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था और आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है ये। लेकिन मैंने एक देखा, इससे इतना लंबे समय से खेल रहा हूँ, जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने, इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। पर हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं ना कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है, और कहीं ना कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। अभी मेरी माँ का फ़ोन आया था कि भाई मैं तो खेत संभाल के आई हूँ, तो कितनी अच्छी बात है कि एक किसान के बेटे को ये टिकट मिला है। राहुल जसवाल जी, किस स्थान पर आपको टिकट दिया गया है, किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे आप? हमारी पार्टी का है राहुल जी, और राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम सब मिलके काम करेंगे। हमारा बस ध्येय है इस देश को आगे ले जाना, और 2024 में 400 पार सीटों का आंकड़ा हमें पूरा करना है, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है, तो बताइए जरा। सबसे पहले तो सर, आप में पैरा खिलाड़ियों को कितना हौसला दिया आपने ओलंपिक जाने, ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे।